हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये नीट 2018 का पेपर हम डिस्कस करते हैं। और नीट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं आप अच्छे से डिस्कस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 91 से, क्वेश्चन नंबर 91। तो पहला क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वॉज फर्स्ट शोन। पहली बार किसमें देखा गया ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था सेमी कंजर्वेटिव की, डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता, मतलब हाफ पेरेंटल स्ट्रैंड होती है और हाफ न्यूली सिंथेसाइज होती है। तो याद रखिएगा, ये एक बैक्टीरियम में देखा गया था फर्स्ट टाइम, दिस इज ऑब्जर्व इन बैक्टीरियम एस्टर्चिया कोलाई। तो बैक्टीरिया में फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया था, तो बी इज़ करेक्ट। तो 92 का आपका बी हो गया। आगे चलते हैं। चलिए सिलेक्ट, आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट बताना है इसमें सही क्या है। फ्रैंकलिन स्टॉल क्वाइन द टर्म लिंकेज, क्या फ्रैंकलिन स्टॉल ने लिंकेज टर्म क्वाइन किया था? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिंकेज टर्म जो दिया था वो याद रखिएगा थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। और पुन्नेट स्क्वायर वॉज डेवलप बाई, करेक्ट स्टेटमेंट आपको ना पुन्नेट स्क्वायर वॉज डेवलप बाई ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये बिल्कुल सही याद रखिएगा, बी सही है बिल्कुल। और स्प्लिसियोम्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, ये याद रखिएगा स्प्लायोसोम्स ट्रांसलेशन में हिस्सा नहीं लेती हैं। ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाई एल्टमैन, ये भी गलत है, ट्रांसडक्शन प्रोसेस एल्टमैन डिस्कवर्ड नहीं किया था, तो बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 93 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 93 याद रखिएगा। ऑफसेट जो होते हैं, याद रखिए पूछा जा रहा है कि जो ऑफसेट हैं याद रखिएगा, ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाई, ऑफसेट एक वेजिटेटिव पार्ट है, तो इसमें क्या होगा? तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एक तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एक वेजिटेटिव होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, तो बी इज़ करेक्ट, माइटोटिक डिवीजन। अगर ये रिप्रोडक्टिव होता तो इसमें मियोसिस होता है, ए करेक्ट होता है, बी इज़ करेक्ट। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, आपको बताना है गलत कौन सा मैच्ड हो रहा है, गलत बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। तो स्टार सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील्स, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पी में मल्टीपल एलील होता ही नहीं है। मल्टीपल एलील किस में होता है याद रखिएगा, ए बी ओ ब्लड ग्रुप में, तो ये गलत है ना, वो जो रॉन्गली मैच पूछा था वो यही है याद रखिएगा। ए बी ओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, बिल्कुल सही। एक्सोटाइप सेक्स डिटरमिनेंस ग्रास ऑपर में होता, बिल्कुल सही। मॉर्गन ने लिंकेज दिया था, बिल्कुल सही। ए इज़ इनकरेक्ट, दैट इज रॉन्गली मैच्ड। 94 का ये हो गया आपका। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, पूरी ज़िंदगी में एक बार ही फ्लावर आता है, ऐसी कौन सी स्पेशीज़ है? तो वो बैम्बू की स्पेशीज़ याद रखिएगा, बैम्बू की स्पेशीज़ में लाइफ में एक बार ही फ्लावर आता है। 95 का आपका ए हो गया। 96 सिलेक्ट द करेक्ट मैच, आपको बिल्कुल जो करेक्ट मैच है वो आपको बताना है कि कौन सा सवाल बिल्कुल सही है। एलेक जेफरी ने मैचिंग में आपको बताना कि एलेक जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से रिलेटेड हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी। अल्फर्ड हर्से और मर्थस चेस, हर्से चेस ने, देखिए हर्से जो चेस थे वो आपके, उन्होंने जो है बताया था डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उनके हर्से चेस से, तो टोबैको मुझे, ये भी गलत है। मैथ्यू मैसेलसन एंड स्टॉल पाइजन, ये मटर पे काम, बिल्कुल गलत है। मैसेलसन स्टॉल ने बिल्कुल प्रूफ करके देखा था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है। फ्रांसिस जैकोब एंड मोनोट लैक ऑपरन, याद रखिएगा ये बिल्कुल सही जवाब है। 96 का डी, लैक ऑपरन एक जीन्स का सेट होता है, जो डिफरेंट जीन्स होते हैं, जेड वाई ए आई जीन, जेड जीन, ठीक है, अलग अलग जीन्स अलग अलग कोडिंग करते हैं, अलग अलग एमआरएनए बनाते हैं, उससे डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनती हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो 96 का डी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पावरफुल हेल्प इन प्रिजर्विंग पोलिन एज फॉसिल, मतलब पोलिन जो है आपका, पोलिन ग्रेन जो है उसको फॉसिल की तरह प्रिजर्व करने में, उसके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है, उसकी कौन सी लेयर है, ऐसा क्या कंपोजिशन है जिसकी वजह से वो फॉसिल की तरह हज़ारों साल तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है? तो याद रखिएगा वो उसकी जो लेयर है वो है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो होती है वो याद रखिएगा जो इस पोलिन ग्रेन होता है उसकी आउटर कवरिंग में एग्जाइन प्रेजेंट होती है, और वो एग्जाइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। दैट इज़ नॉट डिग्रेड, नॉट अफेक्ट एनी टेम्परेचर, उसे कोई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग एसिड उसे डिग्रेड नहीं कर सकता। तो इस उसी प्रॉपर्टी की वजह से स्पोरोपोलेनिन, या देखिए जो एग्जाइन लेयर बाहर की पोलिन ग्रेन की आउटर लेयर, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड दैट इज़ नॉट डिग्रेड बाई एनी टेम्परेचर एनी प्रेशर, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एसिड, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड उसको डिग्रेड नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से इसीलिए वो फॉसिल की प्रॉपर्टी है, तो डी इज़ करेक्ट, इसका डी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्टोमेटल मूवमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई, स्टोमेटल मूवमेंट को कौन अफेक्ट, किससे अफेक्टेड नहीं होता है, कौन सा पैरामीटर है?
तो याद रखिएगा हाई टेम्परेचर, लाइट, CO2 कंसंट्रेशन वो है अफेक्ट करता है ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। तो इसका टेम्परेचर आंसर नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर से अफेक्ट है, लाइट से भी अफेक्ट है और CO2 भी अफेक्ट करता है, लेकिन O2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो O2 पैरामीटर इंस्ट्रूमेंटल मोमेंट इज नॉट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होता, तो सी इज़ करेक्ट। यू गॉट इन माई पॉइंट। चलिए आगे इधर बढ़ते हैं। 98, द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम बिगिंस इज, कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोजोम की जो पेयरिंग है उसका सेपरेशन किस स्टेज में होता है। तो याद रखिएगा वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है, क्योंकि इस स्टेज में जो है जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो पेयरिंग करना, जोड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सेंटोमेरिक साइड से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए इसका हो गया बी। अब नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन है आपका, देखिए द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, कोई भी शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी क्या दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं जो उसकी खूबी है। तो याद रखिएगा उसमें एक तो कीटोन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और एक कौन सा ग्रुप होता है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो दैट इज़ डी इज़ करेक्ट। तो बाकी हम वही डिस्कस करेंगे जो मेन बात है टाइम को ना वेस्ट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के वक्त जो भी खाना बनता है तो क्या चीज़ पैदा नहीं होती है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ATP का प्रोडक्शन होता है, NADPH का भी प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन, तो याद रखिएगा ये जो है NADH पैदा नहीं होता। तो बी इज़ करेक्ट, बी इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है, बी। उन्होंने ये पूछा है कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के वक्त कौन नहीं है, तो NADH नहीं है। ATP भी पैदा होते हैं, NADPH भी, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन भी, और NADH इज़ नॉट अ प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। तो 101 का बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 102 की तरफ डिस्कस करते हैं। ग्रास, देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे, बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, ठीक है, जो घास होती है ग्रास लीफ उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। याद रखिएगा उसमें डंबल शेप होते हैं, ठीक है, डंबल शेप स्टोमेटा पाए जाते हैं। डंबल तो आपने देखा होगा जो जिम में लोग करते हैं, डंबल टाइप है ना, इस टाइप से डंबल शेप स्टोमेटा दैट इज़ फाउंड इन द ग्रास फैमिली। तो 102 का ए हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोकैरियोट, आपको बताना है इसमें से प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम प्रोकैरियोट है, ऑसिलेटोरिया भी प्रोकैरियोट्स है, नॉस्टॉक भी, ये सब पूरा बैक्टीरिया ग्रुप को, और जो सैक्रोमाइसिस सर्वियस है वो फंगस है एक, वो यूकैरियोट है। तो ए इज़ करेक्ट, ए इज़ अ यूकैरियोट, बाकी सब प्रोकैरियोट हैं। तो 103 का ए। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको बताना है। तो लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, बिल्कुल गलत। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये जो आपका ये भी जो है इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं, क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन में सेंट्रियोल हिस्सा लेते हैं। इट इज़ अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, बिल्कुल सही, RNA की फैक्ट्री है, याद रखिएगा RNA का बहुत बड़ा स्टोर हाउस है न्यूक्लियोलस। तो 104 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्गी बॉडी है, याद रखिएगा जो पैकेजिंग में रोल है, वो पार्टिसिपेट इन, वो किस में हिस्सा लेती है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, बिल्कुल गलत, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, सिक्रेटरी वेसिकल बनते हैं इसमें, सिस और ट्रांस फेस होता है, सिस फेस फॉर्मिंग फेस होता है, ट्रांस मैच्योरिंग फेस होता है, बनने के बाद जो भी मटेरियल है वो डिस्पैच हो जाता है। तो ये गोल्गी का काम है, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। तो बी इज़ करेक्ट। चलिए 106 की तरफ बढ़ते हैं। एंड 106 में देखिए बात की गई है कि इन अ स्ट्रेटोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, ओजोन जो होता है O3 उसको डिग्रेडेशन के लिए आपको कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और उससे मॉलिकुलर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, आपको बताना है। तो याद रखिए क्लोरीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन में जाता है और वो ओजोन का डिग्रेडेशन कराता है। तो बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, बी करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, आपको इसमें बताना कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन हो, आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के मिक्सचर से बनते हैं, जो डायरेक्ट सोर्स निकलते हैं वो प्राइमरी होते हैं, और प्राइमरी का रिएक्शन होकर सेकेंडरी बनते हैं। तो याद रखिएगा जो 107 आपका है इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखिएगा वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और आपका CO2 इज़ ऑल्सो प्राइमरी, SO2 भी इज़ ऑल्सो प्राइमरी, डायरेक्टली इमिट करते हैं, लकड़ी को जलाएंगे CO2 बनेगी, इनकम्प्लीट कम्बक्शन पे CO, और व्हीकल्स है SO2। ओजोन इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से, पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटेगा UV रेडिएशन से,
ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 से कम्बाइन होकर O3 बनाएगा। तो उस हिसाब से जो तो सेकेंडरी हुआ है, तो डी इज़ करेक्ट। आप क्वेश्चन नंबर 97, निच इज अ, निच क्या है आपको बताना है निच। तो इट प्ले अ वेरी फंक्शनल रोल, निच के बारे में अगर बात की जाए तो इट प्ले अ फंक्शनल रोल प्ले बाई एन ऑर्गेनिक वेयर इट इज लाइव, जहाँ वो रहता है वो फंक्शनल रोल अदा करता है, याद रखिएगा। तो उस हिसाब से क्या है, ऑल बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, बिल्कुल गलत, बायोलॉजिकल फैक्टर अलग चीज़ है। द फिजिकल स्पेस वेयर ऑर्गेन लिव इट इज नॉट अन मोस्ट अप्रोप्रिएट, द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट ऑर्गेन नीड टू लाइव, टेम्परेचर रेंज इज नॉट अ फैक्टर ऑफ नेच, एंड द फंक्शनल रोल प्ले बाई एन ऑर्गेनिक वेयर इट इज लिव, बिल्कुल सही जवाब है कि कोई भी जानदार किसी जगह पर रहता है वो क्या फंक्शनल रोल, एक उसकी स्मॉल फंक्शनल हैबिटेट जो कहलाती है, हैबिटेट का छोटा हिस्सा कहलाता है निच। तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 109, नेटलिटी रिफर्स टू, नेटलिटी आपको बताना है क्या डील करता है। तो नेटलिटी जो है बर्थ के लिए, बर्थ रेट के लिए करता है, याद रखिएगा, कितने नंबर ऑफ बर्थ, कितनी बर्थ हुई है ना, तो वो आपकी नेटलिटी कहलाती, मोर्टलिटी डेथ कहलाती। तो 109 का बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड, अब आपको 110 में बताना है कि ये किस टाइप का पैरामिड है, एंड क्वेश्चन थोड़ा गायब हो जाएगा इसका, थोड़ा क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो इसमें देखिए एक चीज़ देखें आप, विच टाइप ऑफ, सॉरी एक मिनट इधर को करते हैं क्वेश्चन थोड़ा, चलिए इतना ही है वो अंदर, उसमें लग रहा है कि ज़्यादा है। आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड वी ऑप्टेन विद द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा से कौन सा होगा, सेकेंडरी में 120 ग्राम है, प्राइमरी 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोटीजियम 10 ग्राम, तो 10 ग्राम पहले था, फिर 60 ग्राम है, फिर 120 है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, ये अगर, लेकिन अगर इसे हम देखेंगे तो ये किस टाइप का पैरामिड है, तो ये आपको याद रखिएगा, ये इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास है, इट इज़ अ इन्वर्टेड इन्वर्टेड टाइप ऑफ इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास, क्योंकि इसमें जो ड्राई वेट है वो सेकेंडरी कंज्यूमर का ज़्यादा है, और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का 60 ग्राम है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर का 10 ग्राम है, मतलब जो लोअर लेवल पे है उसमें कम है, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका जो आपका जो पैरामिड बढ़ेगा बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, मतलब उसमें सबसे बड़ा साइज़ हो जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर और छोटा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसका ए इज़ करेक्ट, इन्वर्टेड पैरामिड ऑफ बायोमास। वर्ल्ड ओजोन डे से कब सेलिब्रेट किया जाता है आपको बताना है 111 में, तो याद रखिएगा ये आपका 16 सितंबर है, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ आइए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज वैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज एज ए वैक्टर इंट्रोड्यूसिंग इन द DNA फ्रेगमेंट ह्यूमन लिम्फोसाइट, इंसान के ह्यूमन लिम्फोसाइट के अंदर जो है वेक्टर, जो है एक DNA फ्रेगमेंट, एक खास DNA के फ्रेगमेंट को ह्यूमन लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर की मदद से। मान लीजिए ये वेक्टर है, तो यहाँ कट लगाया आपने, यहाँ पे आपने फॉरेन DNA, मान लीजिए कट है, यहाँ पे आपने फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया, तो उसमें बता रहे हैं कि कौन सा वेक्टर लेते हैं चारों में से, आपको वेक्टर का नाम बताना है। तो इसमें याद रखिएगा जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, रेट्रोवायरस ए इज ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें रेट्रोवायरसेस को लिया जाता है, क्यों लिया जाता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। रेट्रोवायरस कॉज कैंसर इन एनिमल, रेट्रोवायरस जो होते हैं वो एनिमल्स में कैंसर कॉज करते हैं, खास करके ह्यूमन में। सो मॉडिफाइड रेट्रोवायरस आर यूज टू ट्रांसफर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल, एनिमल सेल में एक खास जीन को, अगर खास जीन को, अगर एक खास जीन हम लेके आए, मान लीजिए कोई खास जीन है और इस जीन को हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, तो वो रेट्रोवायरस की मदद से किया जाएगा, वेक्टर रेट्रोवायरस वेक्टर लेंगे हम, उसमें हम DNA को इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसको ऐसा करके हम बहुत सारी डिजीज़ को ठीक करते हैं, याद रखिएगा। और इसमें जीन थेरेपी के जरिए 4 साल की बच्ची को ठीक किया गया था, 8-year-old गर्ल उसको ठीक किया गया था, उसको जो है एडिनोसाइन DAMINase डिफिशेंसी थी, और वो रेट्रोवायरल वेक्टर के जरिए ही ठीक किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 112 के बाद 113 की तरफ बढ़ते हैं, हाँ ये थोड़ा वैसा हो गया है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, चलिए छोटा करके देख लें, लेकिन बड़ा है ये क्वेश्चन, इसमें गायब ना हो जाए। हाँ, इन इंडिया, देखिए 100, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक फॉर पब्लिक यूज़, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जो एसेस करेगा किसी भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो कोई उसका मिसयूज ना कर ले, उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, याद रखिएगा।
तो इसमें याद रखिएगा एक कमेटी है जो इसमें लास्ट में ऑप्शन में है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये बनाई गई है ये कमेटी GEAC, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये GEAC ये देखती है कोई भी डॉक्यूमेंटेड वैरायटी के पेटेंट राइट पहले लेना पड़ेगा आपको, आपको उस उस वैरायटी का पेटेंट राइट ख़रीदने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा जो बायोपायरेसी कहलाती है, तो आपको पेमेंट करके और आपको पेटेंट राइट लेके तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें GEAC जो है कमेटी है, GEAC ये देखती है, तो डी इज़ करेक्ट। न्यू वैरायटी ऑफ राइस की चावल की बात हो रही है, एक राइस की न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंट बाय ए फॉरेन कंपनी थ्रू सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज़ रिलेटेड टू, कह रहे हैं एक चावल की न्यू वैरायटी है जो फॉरेन कंपनी ने पेटेंट कराई है, ठीक है, और वो पहले इंडिया में हुआ करती थी लंबे समय से, तो वो कौन सी वैरायटी, तो बासमती चावल की वैरायटी याद रखिएगा, दैट इज़ डी। तो बासमती चावल का कराया उन्होंने पेटेंट राइट फॉरेन, जो भी अमेरिका वालों, जो भी फॉरेन लोग के लोग होते हैं, कोई भी कराएगा, कोई भी देश हो सकता है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, आपको सही मैच बताना है इसमें कौन सा सही मैच है। राइबोजाइम, तो अगर आप देखें राइबोजाइम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम है, और आरएनए मॉलिक्यूल दैट आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन एंड दैट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, तो ये बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ए इज़ करेक्ट, बाकी सारे गलत हैं। राइबोजाइम राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम दैट इज़ फाउंड इन द एज ए आरएनए मॉलिक्यूल दैट आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन को ये कैटलाइज करता है, तो ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, उस बायोटेक से बहुत सारे क्वेश्चन है। यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टी नेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल। देखिए मैंने अभी पीछे ऊपर जिक्र किया था आपको, किसी भी देश के या किसी भी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे बासमती चावल है उस, है ना, कोई भी मल्टी नेशनल कंपनी, ठीक है, मल्टी नेशनल कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर ऑथोरिटी के या बगैर पेमेंट के उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये फिनोमेना क्या कहलाती है, बायो पायरेसी में आता है। आप पेटेंट राइट लेना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, किसी की डॉक्यूमेंटेड वैरायटी आप ऐसे यूज़ नहीं कर, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर ऐसा करेगी तो उस पर फाइन पड़ेगा, रूल्स बन चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी ने रूल बना दिए, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR याद रखिएगा, PCR में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें तीन प्रोसेस होती हैं याद रखिएगा, सबसे पहले डीनेचुरेशन होती है, और डीनेचुरेशन के बाद क्या होगा, एनलिंग होती है याद रखिएगा, डीनेचुरेशन के बाद एनलिंग होगा। तो डीनेचुरेशन में टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर डीनेचुरेशन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उससे स्टैंड खुल जाती हैं। उसके बाद एनलिंग होती है याद रखिएगा, एनलिंग में क्या करते हैं, एनलिंग जो होती है उसमें दो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स एनील और बाई हाइब्रिडाइज टू ईच सिंगल टेम्पलेट स्ट्रेंथ, इसमें सिंगल स्ट्रैंड आ जाती है, और उसके बाद एक्सटेंशन होता है तीसरा स्टेप, तो इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया गया था, ठीक है, और एक्सटेंशन में टेम्परेचर घट जाता है। इसमें एक एंजाइम लिया जाता है एक्सटेंशन में याद रखिएगा, जो जिसका नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज थर्मस, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। तो प्राइमर को एक्सटेंड में बिलियंस कॉपीज बनती हैं, तो डी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो 117 का डी। ये PCR को कैरी म्यूलिस ने डिस्कवर किया था याद रखिएगा। अब 118 पे आइए, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, पूछ रहे हैं किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो याद रखिएगा दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम एक लेटरल मेरिस्टेम, इट इज अ लेटरल मेरिस्टेम दैट इज प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के जो सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं वो वस्कुलर कैम्बियम दैट इज अ पार्ट ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, जो सेकेंडरी टिश्यूज जिससे सेकेंडरी ग्रोथ, तो वस्कुलर कैम्बियम की वजह से याद रखिएगा सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम में होती है, तो बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। 119, न्यूमेटोफोर्स अकर इन, न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं दैट इज न्यूमेटोफोर्स फूड इन मैंग्रोव्स, जो न्यूमेटोफोर्स होती हैं जो हैंगिंग रूट्स होती हैं दैट इज रेस्पिरेटरी रूट्स, सॉरी हैंगिंग रेस्पिरेटरी रूट्स कहलाती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, दैट इज फाउंड इन विच पार्ट, मैंग्रोव्स में पाई जाती हैं एंड दैट इज फाउंड इन हेलोफाइट्स, यहाँ पे हेलोफाइट्स हैं दैट इज सॉल्ट रिच एरियाज, मोस्ट अप्रोप्रिएट हेलो मीन सॉल्ट, फाइट मीन प्लांट, जो सॉल्ट रिच प्लांट हैं जहाँ पे नमक ज़्यादा, जहाँ प्लांट्स होते हैं, खास करके मैंग्रोव की बात हो रही है, मैंग्रोव में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ए इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए आगे इधर बढ़ते हैं। 120, स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड, जो स्वीट पोटैटो है वो क्या इज़ अ मॉडिफाइड क्या है, तो स्वीट पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम है, एडवेंटिशियस रूट है, या फिर टैप रूट है, या राइजोम है, आपको इसमें बस बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है, तो याद रखिएगा एडवेंटिशियस रूट याद रखिएगा, इट इज मोस्ट
इट इज़ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, और द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ बी, इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि विच क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एडवेंटेजेस रूट क्या होती हैं, पहले ये क्लियर कर लें, थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। द रूट दैट इज अराइज फ्रॉम अदर देन द रेडिकल से, अदर देन रेडिकल, रेडिकल से जो अराइज ना हो एडवेंटेजेस रूट क्या, स्वीट पोटैटो शकरकंदी वही। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको सही स्टेटमेंट बताना है कि इसमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट क्या है। तो ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाई ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स, ये बिल्कुल सही जवाब है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ए, जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी से इनक्लोज नहीं रहते जिम्नोस्पर्म में। अगला है सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस होता है, बिल्कुल गलत है, सिलेजिनेला जो है हेट्रोस्पोरस नहीं होता है, वो होमोस्पोरस। सल्वेनिया इज अ होमोस्पोरस, वो हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल गलत है ना, हॉर्सटेल इज अ टेरिडोफाइट। स्टेम्स आर यूजली अनब्रांच इन बोथ साइकस स्पाइनस, बिल्कुल गलत। तो ये तीनों पार्ट गलत हैं, ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए आगे तक बढ़ते हैं 121 के बाद, अब देखिए 121 के बाद आपको इधर आना पड़ेगा 122 ऊपर की तरफ। चलिए 122 पे आते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फंगस एंड प्लांट्स, प्लांटा, ये ऐसा नहीं है क्योंकि फंगस की सेल वॉल काइटिन की और प्लांटा में सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, तो आपको रॉन्ग बताना, तो उस हिसाब से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मशरूम बिलोंग टू बेजिरियोमाइसिस, बिल्कुल गलत, मशरूम बेजिरियोमाइसिस को बिलोंग नहीं करता। सीरोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स बिल्कुल सही, सीरोपोडिया जो होते हैं आपके अमीबा में होते हैं और वो फीडिंग स्ट्रक्चर भी हैं, याद रखिएगा। सी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोनरा एक्सेप्ट मोनरा में नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन द किंगडम एक्सेप्ट मोनरा, मोनरा को छोड़ के सब में ऐसा नहीं होगा, और में भी हो सकते हैं। सी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, सीरोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात हो रही है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आकर इन किस में पाई जाती हैं, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आकर इन, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप इज़ अ बैंड ऑफ थिक इन पार्ट ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है, ये टेंजेंशियली होती है, याद रखिएगा, एक बीच में आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो कॉर्टेक्स सेल्स के बीच में पाई जाती है। दैट इज पेरिस मोस्ट अप्रोप्रिएट 120, ये आपका सॉरी एंडोडर्मिस के बीच में होती है, दैट इज एंडोडर्मिस नॉट अ पेरिसाइकिल। तो ये एंडोडर्मिस के बीच में वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस, टेंजेंशियल वॉल ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस के बिल्कुल बीचों बीच होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो साइल वॉल के थ्रू, तो उसमें दो तरीके से पाथवे फॉलो, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करता। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज बेंड ऑफ थिकनिंग पार्ट ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस के, ये टेंजेंशियली होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ है, और किस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, याद रखिएगा, तो मोनोकोट्स में नहीं होती है, मोनोकोट्स क्या हैं, ग्रास हैं, ए इज़ करेक्ट, ठीक है। विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड, आपको बताना कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, गलत मैच्ड कौन सा है, याद रखिएगा, यूनिफ्लेजिलेट गैमिट्स पॉलीसिफोनिया, बिल्कुल याद रखिएगा 120, ये बिल्कुल आपका याद रखिएगा रॉन्गली मैच है, क्योंकि यूनिफ्लेजिलेट्स गैमिट पॉलीसिफोनिया में नहीं पाए जाते, बाइफ्लेजिलेट्स पाए जाते हैं उनके अंदर, तो ये रॉन्गली मैच्ड है। बाइफ्लेजिलेट्स ऊपर ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सही, गैमा का मार्केंशिया, बिल्कुल सही, यूनिसेल ऑर्गन कोलोरेला, बिल्कुल सही, ये रॉन्गली मैच्ड है, ए इज़ रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको बिल्कुल मैच करना है कौन किससे मैच कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, याद रखिएगा। तो देखिए पहले देख लेते हैं कौन सा किसका है, उसके बाद फिर मैचिंग नीचे देखते हैं। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, जहाँ पे एनिमल और प्लांट दोनों प्रिजर्व रहते हैं वो क्या कहलाता है। तो देखिए इसमें जो हर्बेरियम है एक बुकलेट होती है, हर्बेरियम जो है एक बुकलेट है, कैरेक्टर की लिस्ट करते हैं इसमें, याद रखिएगा, और एक इंडेंटेड की होती है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है आपका इट इज़ अ प्लेस, हर्बेरियम क्या एक जगह है, याद रखिएगा, इट इज़ अ प्लेस, हर्बेरियम इज़ व्हाट, इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राई एंड प्लेस प्लांट स्पेसिमेंस आर माउंटेड ऑन अ शीट आर कैप्ट। तो ए का जो आपका ये ए हो जाएगा इसका। म्यूजियम कौन सी जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा।
और की क्या है, जिसमें अल्टरनेट करेक्टर होते हैं, कैटलॉग जो है आपका एक बुकलेट होती है, तो जिस हिसाब से इसके ऑप्शन मैच कर रहे हैं वो डी इज़ करेक्ट, है ना। सी का फर्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए, क्योंकि इट इज़ अ प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ, म्यूजियम का बताया मैंने, कैटलॉग, है ना। कैटलॉग क्या है आपका, कैटलॉग और की, की में देखिए अल्टरनेट करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं, कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल, तो ये बी का फोर्थ हो जाएगा। तो अगर बी का फोर्थ होता उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो डी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विंग्ड पोलिन पूछा जा रहा है कि जिसमें विंग्ड जो पोलिन पाए जाते हैं वो किस्म पाए जाते हैं, विंग्ड पोलिन जो है वो किस्म पाए जाते हैं आपको बताना है। तो मस्टर्ड, साइकस, मैंगो, आपको बताना है कि आखिर, तो याद रखिएगा पाइनस के अंदर विंग्ड पोलिन होते हैं, ठीक है। तो 127 का डी आगे आइए। चलिए, आफ्टर आफ्टर कैरियोगेमी, मतलब जो कैरियोगेमी न्यूक्लियस के डिवीजन का, फॉलोड बाई मियोसिस, स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस एग्जोजिनस, जो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो एग्जोजिनस मतलब बाहर की तरफ किस में प्रोड्यूस होते हैं आपको बताना। तो याद रखिएगा वो एग्रीकस में प्रोड्यूस होते हैं। तो द मोस्ट अप्रोड इज सी, एग्रीकस के अंदर एग्जोजिनस होते हैं, बाकी सब में एंडोजिनस हैं। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। 129, विच वॉट इज़ द रोल ऑफ NADP+, वॉट इज़ द रोल ऑफ NADP+ इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में NADP+ का क्या रोल है। तो देखिए, इट इज़ अ फंक्शन एज एंजाइम, ऐसा नहीं है क्या। इट फंक्शन एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, बिल्कुल सही। इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, बिल्कुल सही। इट इज़ अ फंक्शनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये गलत। तो याद रखिएगा इसके एक से ज़्यादा आंसर सही हैं, बी और सी, ठीक है। तो दो सही हैं, ऐसा होता है और हो जाता है। 129, उसके बाद 130 की तरफ आते हैं। चलिए 130, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई कौन, फोटोसिंथेसिस के बाद, मतलब ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के बाद कौन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नोस्टॉक, साइकस, चारा, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं करता, बाकी सब प्रोड्यूस करते हैं। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस इज ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पोलिन ग्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, देखिए। एंड पोलिन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन अ लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में पोलिन को, ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है सालों साल तक। तो कितने टेम्परेचर, -196°C टेम्परेचर में, सी इज करेक्ट। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आयरन इज, प्लांट्स किस फॉर्म में आयरन का एब्जॉर्ब करते हैं पूछा जा रहा है आपसे। फेरिक की फॉर्म में, याद रखिएगा Fe3+, इस फॉर्म में ज़्यादातर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ए इज करेक्ट। ये ज़्यादा डिस्कशन के लिए, जहाँ डिस्कशन होगा वहाँ बताएंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए एंजियोस्पर्म का एक यूनिक इवेंट है, और इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या होता है। दो मेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट स्टेज, बिल्कुल गलत। वन मेल गैमेट टू पोलन गल, बिल्कुल गलत। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट वन एग, ये भी गलत। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है, देखिए डी इज़ करेक्ट, डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्यों, सिंगेमी में क्या होगा, एक जो पोलन ट्यूब मेल गैमेट होगा पोलन ट्यूब में, वो किससे फर्टिलाइज होगा, एग से, जायगोट बन जाएगा। और एक जो है दो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा सेंटर पे जो बैठे होंगे, तो बन जाएगा पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ट्रिपल एक साथ सिंगेमी ट्रिपल फ्यूजन होने की वजह से डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग टर्गर इन सेल, सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर बैलेंस रखने का काम किसका है, पोटेशियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, याद रखिए पोटेशियम टर्गर प्रेशर को बैलेंस रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ स्पीशीज ऑफ मॉथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर, एक दूसरे के बगैर वो लाइफ अपनी वो नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा इसमें जो आपका तो याद रखिएगा ये यूका जो है आपका यूका जो है वो याद रखिएगा, ये एक ऑब्लिगेट मुचुअलिज्म विद स्पीशीज ऑफ मॉथ प्रोनूबा, ये उसमें एग लेइंग करता है याद रखिएगा, और उससे कोई भी बेनिफिट नहीं लेता याद रखिएगा। बहुत मुचुअली बेनिफिट ऑब्लिगेट मुचुअलिज्म शो करते हैं, और काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है मॉथ स्पीशीज़ का यूका से, याद रखिएगा। वेयर नन ऑफ द टू कैन कम्प्लीट लाइफ साइकिल विद द अदर, तो दैट इज यूका। बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, बी सही है, क्योंकि मॉथ इसमें एग अंडे देता आगे। क्वेश्चन नंबर 136, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, कौन से हार्मोन प्लेसेंटा से निकलते हैं आपको बताने। तो याद रखिएगा प्लेसेंटा से निकलता है SCG, HPL, प्रोजेस्टोन, एस्ट्रोजन, सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव पूछ रहे हैं, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, जो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली लिया जाता है वो नॉन स्टेरॉयडल है याद रखिएगा, और ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूटरस प्रिवेंट एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, ए इज़ करेक्ट।
द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको बताना है इसमें सही आंसर, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो द इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड वाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल गलत, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल स्पर्मिएशन वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ये भी गलत है। एंड इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टुलाई सेल्स आर रिलीज, ऐसा नहीं होता, इन टू द कैविटी ऑफ सेमी इनफर्टिलिटी वाइल द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ये भी सही नहीं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल इन टू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस टिप्यूल, ये बाहर निकल के आते हैं, याद रखिएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी, क्वेश्चन नंबर 138। चलिए 139 की तरफ आते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 139 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो रिपीट भी हो सकता है, याद रखिएगा। द एमनियन ऑफ मैमलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव फ्रॉम, कहने की जो एमनियन लेयर होती है वो एमनियन एक फ्लूड सोमेटोफ्लूड डेसिकेशन, एमनियन जो एक लेयर है एंड दैट इज एक्टोडर्मल और मीसोडर्मल है, जो एम्ब्रियो को डेसिकेशन से और मैकेनिकल इंजरी से उसमें फ्लूड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूड। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ए, एक्टोडर्म और मीसोडर्म जो है एमनियन को बनाती है, उसे ड्राइव होती है। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, अगर कोई पॉपुलेशन बढ़ रही हो तो उसमें बढ़ती हुई पॉपुलेशन में क्या ज़्यादा होगा, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव, बिल्कुल सही, प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव से, ए इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, ए इज़ करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 141, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन एक्सीटू, ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन एक्सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, एक्सीटू में कौन आता है, ऑफ साइट मतलब नेचुरल कंडीशन से बाहर, कौन नहीं आता वन, तो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं वो नहीं आते, वाइल्ड लाइफ सफारी जो बाहर बनाए जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन भी बाहर, सीड बैंक्स भी बाहर बनाई जाती हैं, सेक्रेट ग्रुप्स जो होते हैं याद रखिएगा वो इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 142, विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, जो स्मैक ड्रग होता है वो कौन से पार्ट से लिया जाता है, तो याद रखिएगा ये लेटेक्स है, स्मैक हीरोइन कहलाती है, ऑब्टेन एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, और इसमें याद रखिएगा ये लेटेक्स से लिया जाता है, इट इज़ अ लेटेक्स पार्ट एंड इस लेटेक्स इज केमिकली स्मैक हीरोइन दैट इज ऑब्टेन बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, तो इसका लेटेक्स पार्ट पॉपी प्लांट अफीम की बात हो रही है, बी इज़ करेक्ट। 143, आपको मैच करना, मैच द आइटम गिवन बिलो, फर्स्ट से सेकेंड को मैच करना, यूट्रोफिकेशन सैनिटरी लैंडफिल, लैंडफिल में क्या करेंगे, वेस्ट डिस्पोजल होगा, तो ये फोर्थ आपका बी हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन क्या होगा, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, और झूम कल्टीवेशन में डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड है, और स्नो ब्लाइंडनेस यूवी रेडिएशन से, तो जिस हिसाब से हमने इसका डिस्कस किया तो उस हिसाब से क्या होगा, याद रखिएगा उस हिसाब से जो ऑप्शन है वो है सी, सी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज वाइडली यूज एज ए मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा तो एमेंसिलिज्म का, याद रखिएगा इस्तेमाल किया जाता है, एमेंसिलिज्म ऑर्गेनिम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच ऑर्गेनिम डज नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिम टू ग्रो और लिव, इनहिबिशन इज अचीव थ्रू द सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एलोक्लेम्स, जो एलोकेमिक्स जो होते हैं याद रखिएगा वो सिक्रेट करते हैं, और इसमें क्या होता है याद रखिएगा, ये एक तरीके से एंटीबायोटिक इज अ काइंड ऑफ एलोकेम्स, एलोकेम्स प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स विच इज अ स्मॉल कंसंट्रेशन कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन सर्टेन होस्ट के अंदर, जो हार्मफुल माइक्रोब उनको किल कर देते हैं। एमेंसिलिज्म याद रखिएगा ये मेडिसिनल यूज होता है इसका, एलोकेम्स कहलाते हैं, जो एक तरीके से एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ एलोकेम्स है ना, एलोकेम्स दैट इज सीक्रेटेड बाय द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर, डी इज करेक्ट। एंड लास्ट 145 डिस्कस करते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा इवेंट नहीं होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड भी होता है, तो इसमें जो इवेंट नहीं होता वो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता है, डी इज़ करेक्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट 45 क्वेश्चन ऑफ द नीट 2018 और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और प्लीज़ इनको आप अच्छे से करिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो दैट आस्क इन द कमेंट बॉक्स, कीप वॉचिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।